किसी भी कलाकृति बनाने वक्त दो सवाल मेरे लिए मायने रखते हैं। पहला, एक ही कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा मेरी आवाज़ अपनी बात कह पाएंगे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन एक कलाकार हूँ। बिहार राज्य के नवादा जिला के वारिसलीगंज क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरा सुर और माध्यम का ताल का मेल होना आवश्यक है। दूसरा, एक ही मेरा काम दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, क्योंकि जिस भी विषय पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ वो सुनना तभी संभव है जब काम की बाहरी सौंदर्य एक सेतु बनकर दर्शक तक मेरी बात को पहुँचा सके। मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ बाल्यकाल से ही मूर्तियाँ बनते हुए देखा। मेरे पिताजी एक मूर्तिकार हैं जो मिट्टी के देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाते हैं। मूर्तिकला में अभिरुचि बचपन से ही रही। 12वीं पास करने के बाद BFA के लिए मैं ललित कला महाविद्यालय नई दिल्ली में नामांकन कराया। वहाँ मैं क्ले मॉडलिंग, वुड कार्विंग, स्टोन कार्विंग, मेटल कास्टिंग, असेंबलेज, फैब्रिकेशन, सिरामिक, रिपोजी जैसे तमाम विधाओं का अध्ययन किया। दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय कला दीर्घा से कला की दुनिया को जाना और समझा। इसके बाद मास्टर करने के लिए दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी आ गया। बनारस में गलियां, बनारस में घाट, कला दीर्घाएँ जैसी दिखने वाली विश्वनाथ गली, यहाँ के निश्चल माहौल भाव, घाट में चलने वाली संस्कृति एवं आध्यात्मिक गतिविधियों के बीच मेरे कलात्मक विचार का तेजी से विकास हुआ। एक मूर्तिकार को अपनी कल्पना को त्रिआयामी आकार देने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। काम शुरू करने से पहले माध्यम, तकनीक, आकार, रंग, इन सभी बातों के बारे में विस्तार से विचार करना पड़ता है। मेरे नज़रिए में मटेरियल या माध्यम मूर्तिकार के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। मेरी कोई भी कलाकृति आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको हमारे माध्यम पर ध्यान जाएगा। और बनारस में मैंने पत्थरों पर मिनिमम कार्विंग किया है, ज़्यादातर स्टोन स्लैब को असेंबल करके कलाकृतियों का सृजन किया है। जब भी मैं हरिचंद्र या मणिकर्णिका घाट से गुजरता था तो वहाँ जलती चिता को देखकर जीवन के परम सत्य की अनुभूति होती थी। भारतीय मान्यताओं के अनुसार मृत्यु को परम सत्य माना गया है। इसी भावना को व्यक्त करने के लिए मैंने एक मूर्ति शिल्प की रचना किया जिसका शीर्षक है अंतिम सैया, लास्ट बेड। बाबा विश्वनाथ के लिंग रूप से भी प्रभावित होकर इस आकार को अपने मूर्ति शिल्प में सकारात्मक ऊर्जा के साथ उतारा हूँ। Thank you.
बनारस से घर लौटने के बाद पिछले एक साल में मैंने लोकली अवेलेबल मटेरियल से ही कलाकृतियों का सृजन किया है। लोहा, लोहे के तार, लकड़ी, ईंट से कई सारी मूर्ति शिल्प बनाया हूँ। जैसे जैसे जगह बदली उसके हिसाब से कलाकृतियाँ और कलात्मक विचार बदलते रहे। इस बात का अनुभव है कि कला अपने समय की दस्तावेज होता है। लॉकडाउन की भयावह दृश्य अंतः मन पर गहरा चोट पहुंचाता है। आशा करता हूं कि जल्द ही इस विषय पे नई कलाकृतियां आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आर्ट इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, कला अभिव्यक्ति का माध्यम है और मेरे लिए एक साधना भी है। कलाकृतियों का सृजन कर आंतरिक ऊर्जा को साकार रूप देकर मन को शांति प्राप्त होती है। धन्यवाद।